तो चलिए अब आपको बता दें कि जोधपुर पहुंचने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखा देते हैं। घटना तो क्या बहुत ही दुखद घटना है, 51 लोगों का इस प्रकार के हादसे में जलना बहुत हृदय विदारक घटना है और इलाज तो चल रहा है, मैंने पता किया है, जिला कलेक्टर से कल से मैं संपर्क में हूँ, तो इलाज में कोई सभी तरह से प्रयास किए जाने कैसे बचाया जाए, पर क्योंकि कई जो महिलाएं या बच्चे हैं वो 60% ज़्यादा है, वो बर्न है, कोई 80% ज़्यादा है, उनके लिए चिंता बनी हुई है कि रात को भी 2-3 डेथ हो गई, तो ये स्थिति है। तो अभी जाके डॉक्टर से बात भी करेंगे, हर संभव कह रहे बच्चे एक एक व्यक्ति, ये सरकार का प्रयास रहेगा, डॉक्टर जो सलाह देंगे वो हम लोग करेंगे, जो पढ़ने पर जाए वो कहेंगे नहीं, अब ये कुछ मरीज ऐसे हैं जो बच सकते हैं, भेजना होगा तो हम लोग तैयार हैं, पर एक एक इंसान की जान बचनी चाहिए। हादसे क्यों होते हैं, मैं अभी कहूँगा जिला कलेक्टर से भी कि इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ब्लास्ट क्यों हुआ, और कंपनी वाले जो हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जिला प्रशासन बात करेगा कि ऐसी घटनाएँ और कहाँ होती, क्यों होती है, कोई डिफेक्ट होता है या गलती हो जाती है मानव से भी, वो सब जानकारी करनी चाहिए, भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, मेन बात यह है। 3 महिलाएं और 2 बच्चे, फिर 5 मौत हो चुकी है, हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा जान बचाने के, मेडिकल अस्पताल सब जगह रखा, अभी वो मुआवजे को लेकर, मुआवजे तो आप ही तो, ये अभी क्या कल तो घटना हुई है, अभी मैं जाके देखता हूँ कि मुआवजे तो क्या मिलेगा, उनको कहने की बात ही नहीं है, जो भी नियम कायदे होंगे उसके अनुसार मिलेगा, एक्स्ट्रा मदद करने की बात करेंगे, क्या कर सकते हैं।